वहीं प्रदेश में बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के बाद अब आपको बताते चले कि बसपा में अंदरूनी कलह लगातार बढ़ रही है। उसकी आग अभी बुझी भी नहीं थी कि अब बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम और प्रदेश प्रभारी सीताराम सिला के साथ कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की है, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्विटर पर गुस्सा फूट पड़ा। मायावती ने ट्वीट कर इस घटना के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया। ट्वीट पर मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने पहले विधायकों को तोड़ा और अब मूवमेंट को आघात पहुंचाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ लोगों पर हमला करवा रही है। मायावती ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस अम्बेडकरवादी मूवमेंट के खिलाफ गलत परंपरा डाल रही है। और वहीं मायावती ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि कांग्रेस की घिनौनी हरकत से बाज आ जाना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने यहां पर माफ कीजिएगा मायावती ने ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा है और चेतावनी दी है कि कांग्रेस को अब इस तरीके की हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। कहा कि कांग्रेस ने पहले विधायकों को तोड़ा और अब पार्टी के वरिष्ठ लोगों पर हमला करवा रही है। आरोप लगाया है मायावती ने कांग्रेस पर। ट्विटर पर उनका गुस्सा यहां पर फूट पड़ा।